औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मसाला कलेजी, बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये चिकन की कलेजी पड़ी है, साथ ही मैंने थोड़े से पोटे ले लिए हैं। अभी इसको मसाला लगा लेते हैं। हाफ चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ टेस्ट के बराबर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूँगी, ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करूँगी और साथ ही मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी। हाफ हाफ टी स्पून ये दोनों चीज़ें डाली हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। अगर आप चाहें तो इसमें मटन की कलेजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन की, देसी चिकन की कलेजी मैंने यूज़ की है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हाफ लेमन मैं अभी से ही निचोड़ कर रख दूँगी, इस तरह से फ्रेश लेमन आपने लेना है। और ये करने के बाद इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट तक इसको हम मेरीनेट होने के लिए रख देंगे कि मसाला जो है वो तमाम कलेजी के साथ अच्छी तरह से लग जाए। जी तो ये इसको मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी मैंने ले ली है, तकरीबन 3 चम्मच इसमें मैंने घी डाला है। घी मेल्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 चम्मच भर के। लहसुन के पेस्ट को आपने ब्राउन होने तक इसका वेट करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी तो इसका कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आना स्टार्ट हो गया है। अब मैरिनेट की हुई कलेजी हम इसमें शामिल कर देंगे। आपको पता है कलेजी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जो पोटे मैंने इसमें शामिल किए हैं उनका मैंने तकरीबन छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऑयल बनाना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी तो तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, क्योंकि कलेजी तो फ़ौरन से गल जाती है लेकिन पोटे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। दोबारा से मैं इसको 2 मिनट के लिए दम दे दूंगी। जी तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। इसको मैं प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, कलेजी मसाला बहुत मज़े की बनी है। ऊपर से लेमू निचोड़ेंगे, लेमू निचोड़ने के बाद कुछ खूबसूरत सी हम पुदीने की पत्तियों पर रख देंगे। जी तो आज की ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।